नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह। बीते 11 नवंबर को सहरसा के सराही के रहने वाले प्रभु पासवान अचानक लापता हो गए। परिजनों ने सदर थाने में आवेदन दिया, लेकिन उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीती रात प्रभु पासवान की लाश मिली है और लोग आंदोलित हैं। पहले यहाँ का नज़ारा देखिए, किस तरह से थाने को लोगों ने घेर रखा है। थाने की तस्वीर देखिए, थाने के भीतर लोगों का कारवां है। लोगों का गुस्सा फूटा है पुलिस अधिकारियों पर कि पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अभी हमारे साथ लोजपा नेत्री सरिता पासवान है, हम उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पूरे मामले को लेकर। सरिता जी, 11 नवंबर को लापता होते हैं प्रभु पासवान और रात में लाश मिलती है, क्या कर रही थी पुलिस? प्रशासन को हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि यहाँ के जिला प्रशासन से मैं स्वयं मिलने के लिए गई थी, तो प्रशासन महोदय का कहना हुआ कि उनके ऊपर कर्ज था, कर्जदार होकर के वो लगता है फरार हो गए हैं। ना तो उनकी अपहरण हुई, ना हत्या हुई। मैं आज मांग करना चाहती हूँ कि जब परिवार के लोगों ने, हम लोगों ने बॉडी को निकाल के लाया है, अब प्रशासन क्या कहना चाहती है? वो फरारी व्यक्ति थे या उनकी अपहरण करके हत्या हो गई? और अपहरण करके अगर हत्या हुई तो 10 दिनों तक प्रशासन क्यों सोई रही? एक भी व्यक्ति की क्या गिरफ्तारी हुई है? ये प्रशासन जवाब दे। प्रशासन बिल्कुल सुस्त हो गई है। यहाँ लगातार घटना होती है और गरीबों का, जान माल का यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये प्रभु पासवान जी चापाकल के कारोबार करते थे, चापाकल मजदूर थे, दैनिक मजदूरी करके अपना बाल बच्चे का पालन करते थे। उनकी हत्या हुई है, उनको परिवार में कोई देखने वाला नहीं है। मैं मांग करना चाहती हूँ परिवार के लोगों को उचित मुआवजा के साथ एक सरकारी सेवा दिया जाए, जिसके कारण उसके बाल बच्चे का भरण पोषण हो सके। ये बड़ा सवाल सरता जी अभी बनता है कि लगातार जिस तरह से घटनाओं का दौर है यहाँ पर, हत्याएं रात भी जो है बनमाई तहरी इलाके में हत्या हुई है गोली मार की, तो आखिर फिर एसपी की जरूरत क्या है, एसडीपीओ की जरूरत क्या है, डीएसपी की जरूरत क्या है, थानेदार की क्या जरूरत है, पुलिस की क्या जरूरत है हम लोगों को? आम पब्लिक बिल्कुल त्राहिमाम है, कष्ट में है, उन्हें दर्द होती है। आज घटना घट जाती है लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं देखती है। मुझे ये कहते हुए काफी दर्द होता है कि 10 दिनों से लापता व्यक्ति को आप ढूंढ नहीं पाए। लगातार घटना हो रही है, सहरसा शहर हमारा जल रहा है। प्रशासन अगर चुस्त रहती तो आज ये घटना होने से बच जाती, एक गरीब आदमी की जान बकस जाती। तो ये मानती है ना आप, इसमें कहीं न कहीं पुलिस का तानवी दोषी है? निश्चित तौर पे अगर वो चुस्त नहीं रहते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। अगर चुस्त रहते तो अगर घटना भी घट गई थी तो अभी लाख उनकी गिरफ्तारी होती, इसमें कार्रवाई होती। केस में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रभु पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे जा चुके हैं। अब उनकी हत्या किसने करी है, यह जवाब अभी जो है तलाशना जारी है। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि प्रभु पासवान की हत्या किसने की है। पुलिस भी तफ्तीश में जुटी हुई है। 11 नवंबर से लापता थे प्रभु पासवान और आज उनकी हत्या की खबर आ रही है, रात में ही लाश की बरामद की हुई है। आखिर कहाँ चूक हुई पुलिस से, किसने क्या किया इतने दिनों तक, जो हत्या का मामला सामने आया? पुलिस जो अपहृत है, अपहरण का केस हुआ था प्रभु पासवान से, अपहृत को खोजने के लिए तकनीकी अनुसंधान से और जो भी अनवी जो होता है अनुसंधान, उससे पुलिस उनको रिकवर करने का प्रयास कर रही थी, उनको लाने का प्रयास कर रही थी। दुर्भाग्यवश उनका शव मिला है ना, तो बाद ऐसी आशंका है कि घटना के बाद उनकी हत्या करके छुपा दिया गया। जो भी अभियुक्त इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके। लगता नहीं है कि अधिकारी महोदय कि इसमें पुलिस ने कहीं ना कहीं कोई कोताही बरती, जो देरी हुई 10 दिन 12 दिन का समय हुआ, बीच अगर पुलिस सक्रिय होती तो आज प्रभु पासवान हम लोगों के बीच होते? पुलिस शुरू से हमें उनको खोजने के लिए, उनको जीवित खोजने के लिए प्रयास कर रही थी और दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो सकता है कि घटना के जस्ट बाद हो गई हो, इसलिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा, पुलिस उनको नहीं खोज पाई हो। तो जो भी इसमें शामिल है, इस हत्या में अभी जो भी शामिल है, जिनकी साजिश है, वो सभी को गिरफ्तार कर दी। लेकिन इस मामले में जिस तरह से पुलिस ने सुस्त कार्रवाई करी है, यह कार्रवाई करने का तरीका पुलिस के तमाम अधिकारियों को कटघरे में खड़े कर रही है। इस खबर में आज इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लग रही है, आप हमारी खबरों को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। शुक्रिया।